हेलो, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में, यानी कि पौधा क्या होता है और पौधे के कौन-कौन से भाग होते हैं और उन प्रत्येक भाग का क्या कार्य है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे एक-एक करके। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, से हिंदी में कहते हैं पादप आकारिकी। ठीक है, आप हेडिंग भी डालते चलिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं पौधे की और उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारा पौधा है, पौधे का ये तना हो गया, और ये हमारा पौधे का जड़ हो गया, और ये हो गई हमारी पत्तियाँ। हालांकि पत्तियाँ इस प्रकार की गोल गोल नहीं होती हैं, पर समझने के लिए हमने बना दिया। लीजिए, एक हम दूसरी पत्ती बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी दूसरी पत्ती हो गई। तो इस प्रकार की पत्तियाँ हो गई, ये मान लेते हैं हमारा मिट्टी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा पौधे का। अब ये जो मिट्टी के नीचे का पोर्शन है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको मान लेते हैं कि मिट्टी है। तो मिट्टी के नीचे का पोर्शन जो है, इस वाले भाग को हम कहेंगे जड़, यानी रूट। ठीक है, अब यह इसका कार्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे हम कहते हैं तना यानी शूट। और तीसरा भाग होता है हमारा ये पत्ती। पत्तियाँ हैं या लीफ। ठीक है, और इसके अलावा भी अन्य भाग होते हैं, जैसे कि फल और फूल। ठीक है, तो हमें पादप आकारिकी के तहत हमें पौधे के जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि के बारे में पढ़ना है, और इन सभी को हम एक साथ ना पढ़ के हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो हम इसमें से एक एक करके जो है आपको टॉपिक उठाएंगे, और शुरुआत जो हम करने वाले हैं आज, जड़ से शुरुआत करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे जड़ के बारे में, जड़, इसके कार्य, इसके रूपांतरण और सारी चीज़ें। जब हम पौधे के संपूर्ण रूप को अध्ययन करते हैं तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी के तहत जो है हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो एक एक करके आपको लिख देते हैं, नोट कर लीजिए, आगे इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। जड़, तना और पत्ती। इसके अलावा भी और पार्ट होते हैं, जैसे फल, फूल। ठीक है, ये जो हम बाहर से आकार की देखते हैं, इसके अंतर्गत इतनी ही सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बीज भी होता है और सारी चीज़ें हैं। तो मुख्यतः यही है, और इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में अभी पढ़ेंगे, जड़, तना, पत्ती। तो
एक एक करके हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आज सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे जड़। जड़ यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको रूट। जड़ किसी भी पौधे का वह भाग जो मिट्टी के नीचे होता है वह जड़ कहलाता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य, अभी जैसे मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि ये हमारा पौधा है, ये हमारी मिट्टी हो गई, इसके नीचे का भाग हो गया, तो ये मिट्टी के नीचे वाला भाग होता है जो मिट्टी से जो है ढका होता है, इसको ही हम जड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे जड़। तो सबसे पहले इसका कार्य समझ लेते हैं क्या होता है। तो पौधे में जड़ का जो कार्य होता है वह होता है मिट्टी से जल, खनिज पदार्थ या पोषक तत्व जो भी होते हैं, जो भी उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है, उसको अवशोषित करना होता है। तो इस पौधे के लिए जो भी खनिज पदार्थ मिट्टी से जो भी उपलब्ध होते हैं उसको किसके द्वारा अवशोषित होता है, जड़ के द्वारा। इनके पास मुख तो होता नहीं कि हमारी तरह हाथ से उठाएं और भोजन कर लिए, तो ये पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जड़ों के माध्यम से मिट्टी से अवशोषित करते हैं। और किस अवस्था में अवशोषित करते हैं, तरल अवस्था में अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यह जो हमारा हो गया प्राथमिक जड़ हो गया। जो हमारी मुख्य तने से होते हुए जो हमारा मुख्य जड़ होता है इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़। और इस मुख्य जड़ से जो दूसरी जड़ें निकलती हैं इसको द्वितीयक जड़ें कहते हैं। और इस द्वितीयक जड़ से भी जड़ें निकलती हैं इसको तृतीयक या टर्शरी जड़ कहते हैं। प्राथमिक या मेन जड़ या मेन रूट, इसको द्वितीयक जड़ या सेकेंडरी रूट, और इन सेकेंडरी रूट से भी जो पतले पतले हेयरनुमा जड़ें निकलती हैं उसको तृतीयक जड़ या टर्शरी रूट कहते हैं। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं जड़ के प्रकार, जड़ कितने प्रकार के होते हैं। जड़ के कार्य आपने अच्छा समझ लिया कि जड़ मुख्य रूप से क्या होता है, हमारा मिट्टी से जो है खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है, भोज्य पदार्थ जो भी रहता है वह आवश्यक उसको अवशोषित करके तना से होते हुए पत्तियों तक ले जाता है, और मिट्टी में पकड़ को बनाए रखता है जिससे कि पौधा जो है गिरने ना पाए। ठीक, और अब इसके बाद करेंगे जड़ों के प्रकार। जड़ के प्रकार, ठीक है, तो जड़ के जो है मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। किसी भी पौधे में जो भी जड़ होगा वह दो ही प्रकार का हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा इसमें से कोई। तो हमारा जो पहला प्रकार है टैप रूट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं मूसला जड़। और जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट यानी इसको हिंदी में कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो जड़ के जो है दो ही प्रकार हैं, पहला है टैप रूट या मूसला जड़, दूसरा है एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़। ठीक है, तो मूसला जड़ या इस प्रकार का जड़ जो होता है वो स्ट्रक्चर इसका बेसिक सा होता है कि ये हमारा पौधा हो गया और इसका जो है सीधे जो है मिट्टी के अंदर भाग, ये मोटा सा मांसल भाग इससे जुड़ा होता है, और इससे फिर
अन्य जड़ें निकलती हैं और इससे फिर अन्य जड़ें निकलती हैं। तो यही जो मेन मांसल भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला यही हमारा होता है टैप रूट या मूसला जड़, ठीक है। और यह मुख्यतः जो है ऐसे बीज जो डाइकॉटिलेडन्स हो, सॉरी मोनोकॉटिलेडन नहीं, डाइकॉटिलेडन्स यानी दो बीज पत्री, द्विदल बीज पत्री, जैसे चना सरसों इत्यादि के जो है बीज होते हैं वो डाइकॉटिलेडन्स होते हैं, दो बीज पत्री होते हैं, और उनके जो जड़ें होती हैं वो टैप रूट या मूसला जड़ होती है, ठीक है। और यह मिट्टी को बहुत गहराई तक जो है जाती हैं अवशोषित करने के लिए खनिज पदार्थों को, और उस मिट्टी में जो है बहुत अच्छे से पकड़ बनाती हैं। और टैप रूट यानी मूसला जड़ वाले जो भी पौधे होंगे उनका आकार बहुत बड़ा तक होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं तो पौधे जो है विकास भी ज़्यादा करते हैं। मूसला जड़, तो आप इसको समझ गए। मूसला जड़ का निर्माण कहाँ से होता है यह भी समझ लीजिए। बीज जो हमारा होता है इसमें से सबसे पहले जब इसको हम मिट्टी में बोते हैं तो इसमें से ये पतली धागेनुमा आकृति जो है बाहर निकलती है, जो मिट्टी में धंसती है, इसको कहते हैं हम रेडिकल, ठीक है। अभी इसको हम रब कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो इसको नोट कर लिए, जड़ों के प्रकार टैप रूट यानी मूसला जड़, दूसरा है एडवेंटियस रूट या अपस्थानीय जड़, ठीक है, इसको आप नोट करते चलिए। तो हमारा जो मूसला जड़ होता है वो हमारा जो हमने बीज मिट्टी में बो दिया, तो यहाँ से सबसे पहले एक धागेनुमा संरचना निकलती है, इस तरीके से आप देखेंगे। ये धागेनुमा संरचना जो होती है यही हमारा मूसला जड़ का निर्माण करती है, और इस भाग को हम कहते हैं रेडिकल, रेडिकल या मूलांकुर। इसको नोट कर लीजिए, बीज का जो है रेडिकल जो होता है यानी मूलांकुर जो होता है जो निकल के मिट्टी में जाता है, यही हमारा जो है मूसला जड़ के रूप में परिवर्तित होता है, और यह मुक्त द्विबीज पत्रियों में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सारी चीज़ समझ में आ गई हैं। अब हम बात करेंगे अपस्थानी जड़, एडवेंटियस रूट। तो इसको भी हम पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जब भी आप देखेंगे धान गेहूँ जो है हमारा बोया जाता है, तो यहाँ पे एक जड़ें यहाँ से ढेर सारी निकली होती हैं गुच्छेनुमा रूप में, या फिर हम मक्का या सरसों जो है हमारा जो होता है मक्का सरसों मक्का या फिर ऊख ऊख यानी शुगर केन, आप देखेंगे कि इसमें नोड इस तरह बना होता है, और यह मिट्टी के नीचे जो दबा होता है भाग, यहीं से आप देखेंगे कि इस तरीके से जड़ निकला होता है, ये गांठनुमा भाग होता है, यहाँ से जो है जड़ निकला होता है। तो हम यह किसकी बात कर रहे हैं, अपस्थानिक जड़। या एडवेंटियस रूट। तो यह हमेशा गुच्छेनुमा रूप में निकलता है, इसमें कोई एक मुख्य संरचना मोटी मांसल संरचना नहीं होती है, और यह गांठ के रूप में जो है यहाँ भी होती संरचना, यहाँ से यह निकली होती है, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, हमारा धान गेहूँ यानी जितनी एक दाल वाली फसलें हैं वो सभी जो है अपस्थानिक जड़ों के जो है प्रकार के रूप में आ जाती हैं, गन्ना मक्का, इन सभी में कैसा जड़ पाया जाता है, अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। तो आपने समझ लिया कि जड़, उसका कार्य, उसके प्रकार कौन कौन से,
एडवेंटियस या अपस्थानिक और टैप रूट या मूसला जड़। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे भी पढ़ लेते हैं कि जड़ों का कार्य सिर्फ जो है मिट्टी से खनिज पदार्थों को अवशोषित करना जैसा मैंने बताया, इसके अलावा भी इसके अन्य कार्य हैं। अन्य कार्य में क्या क्या हैं? जड़ों का रूपांतरण, रूपांतरण यानी भोजन को अवशोषित जो करता है उसको फिर भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखता है। तो वह अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो मूसला जड़ में जो है इसका जो है रूपांतरण अलग होता है, वहीं अपस्थानिक जड़ों में इसका रूपांतरण अलग होता है। तो हम दोनों को एक साथ बता देते हैं आपको। नोट करते चलिए। जड़ों का रूपांतरण, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, कौन कौन से बदलाव होते हैं? तो एक तरफ हम लिख देते हैं मूसला जड़ यानी टैप रूट, ये इधर हमारा का मूसला जड़, और इधर जो है रूपांतरण हम लिखेंगे एडवेंटियस या अपस्थानिक जड़। सॉरी, मात्रा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। एक तरफ हम मूसला जड़ के रूपांतरण लिखेंगे और दूसरी तरफ जो है अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के तहत जो हमारा टैप रूट या मूसला जड़ होता है उसके कौन कौन से रूपांतरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मुख्यतः हमारा जो है चार प्रकार का रूपांतरण होता है। पहला होता है तर्कु रूप। तर्कु रूप यानी इसको समझते हैं कैसा होता है कि जैसे आपने मूली देखा है ना, तो मूली का जो आकार होता है वह तर्कु के रूप में होता है। यही जो है मूली क्या है, तना नहीं है, मूली जड़ है, जड़ का एक रूपांतरण है। ठीक है, जो मूली हम खाते हैं वह एक क्या प्रकार का है, जड़ हम खाते हैं। ठीक है, वह किस रूप में होता है, उसका रूपांतरण तर्कु के रूप में होता है। दूसरा रूपांतरण क्या है, कुंभी रूप में। कुंभी रूप में हम क्या खाते हैं, शलजम। तो शलजम आपने बाजार में देखा होगा, ऊपर बैंगनी नीचे जो है सफ़ेद रंग का होता है। तो दूसरा रूपांतरण आपने देखा होगा कुंभी, कुंभी में देखा होगा आपने, कुंभी रूप में क्या उदाहरण है हमारा, शलजम। शलजम जैसे आपने सुना, आपको याद आ गया होगा, या नहीं तो गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर बैंगनी नीचे वाइट रंग का इस तरह का जो है हमारा ये होता है, ये जो होता है हमारा शलजम होता है। ठीक, इस प्रकार का जो रूप होता है शलजम का हो गया। वही हमारा जो है मूली इस तरह का होता है तर्कु रूप, और कुंभी यानी कुंभी रूप में जो हमारा रूपांतरण होता है वह किसका किस में होता है, शलजम में इस प्रकार का। और शंकु रूप, शंकु रूप यानी गाजर पाया जाता है रूपांतरण, यह कैसा होता है, ऊपर चौड़ा और ये नीचे आते हुए पतला हो जाता है। तो ये किस प्रकार का रूप हो गया, शंकु रूप, और इसका उदाहरण क्या है, गाजर। तो जैसे आप नाम समझ, यहाँ नाम से याद रखिए इसके जो है रूपांतरण को, कि मूसला जड़ में कौन कौन से प्रकार के रूपांतरण होते हैं, तर्कु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप और गांठदार। ठीक है, इसकी गांठदार में कोई निश्चित आकृति नहीं होती, तो इसको बेसिकली आप जो है ऐसे ही लिख सकते हैं, पर मेन ये तीन है मूसला जड़ों के। कौन से तीन मुख्य रूपांतरण है, तर्कु रूप, कुंभी रूप और शंकु रूप। यानी कि तर्कु रूप यानी मूली, कुंभी रूप यानी शलजम, तर्कु रूप यानी मूली ये वाला, कुंभी रूप शलजम यानी ये आकृति, और शंकु रूप, कुंभी रूप के बाद हमारा शंकु रूप, इसमें कौन सा हमारा आता है, गाजर ये वाली आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मूसला जड़ का रूपांतरण हमारा जो है पूर्ण होता है। वहीं अब बात करते हैं हमारा अपस्थानिक एडवेंटियस रूट या अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। ठीक है,
तो इसमें हमारा जो पहला रूपांतरण होता है वह कंदिल, कंदिल रूप, कंदिल रूप यानी इसको उदाहरण समझते हैं शकरकंद। तो आपने जो है बाजार में जो है शकरकंद खाया होगा, स्वाद में मीठा होता है, तो वही जो हमारा होता है शकरकंद उस वह जो रूपांतरण होता है क्या होता है, कंदिल रूप। अब ये मत कहिए कि आलू, आलू जड़ नहीं है, जड़ों में पाया जाता है, लेकिन आलू तने का रूपांतरण है, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आलू और शकरकंद में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो कंदिल जो रूपांतरण है किसका है, शकरकंद का जो है रूपांतरण कंदिल रूप में कहलाता है, या किसका रूपांतरण है, अपस्थानी जड़ का पहला। अपस्थानी जड़ का जो दूसरा रूपांतरण क्या होता है, पुलकित रूपांतरण। पुलकित रूपांतरण क्या होता है, डहलिया का पौधा जाड़े के मौसम में बहुत खूबसूरत पौधा होता है, फूल होता है डहलिया का, तो जब वह पौधा सूख जाता है फरवरी मार्च में, तो आप उसको उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे पुलकित रूप में उसकी गांठें जो है इस तरीके से होती हैं, जड़ें इसमें आया ही होती हैं, जड़ों से जो है फिर ये फूली होती हैं। तो इस तरीके से ये पुलकित रूप रूपांतरण होता है, कहाँ पाया जाता है, डहलिया के पौधे में पाया जाता है। तीसरा जो अपस्थानी जड़ का रूपांतरण होता है वह ग्रंथिल रूपांतरण है, तो इसमें एक रूपांतरण है ग्रंथिल। तो ग्रंथिल रूपांतरण जो होता है आम हल्दी नहीं होता, बल्कि आम और हल्दी की जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों में जो है ग्रंथिल रूप में जो है रूपांतरण होता है, ठीक है। हल्दी और अदरक या तने का रूपांतरण है, परंतु हल्दी की जो जड़ें होती हैं और आम की जो जड़ें होती है उसमें छोटी छोटी ग्रंथियाँ बनती हैं, उस वह जो रूपांतरण होता है वह ग्रंथिल रूपांतरण होता है, किसके जो है उसमें होता है, अपस्थानिक जड़ों में। अब आप कहेंगे कि आम तो मूसला जड़ होता है, पर हाँ मूसला जड़ होता है, लेकिन उसकी जो है द्वितीयक जड़ें जो होती हैं उसमें रूपांतरण होता है, वहीं हल्दी में जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उसमें जो है ग्रंथियाँ बनती है, यही रूपांतरण हमारा अपस्थानिक जड़ों में ग्रंथिल रूपांतरण में आता है। यहाँ गांठ रहेगा, फिर ऐसे रहेगा, फिर यहाँ ग्रंथ रहेगा, तो इस तरीके से ये ग्रंथिल या मणिकामय होता, सॉरी ग्रंथिल नहीं, ये मणिकामय होता है, ये छोटी छोटी मणियों के रूप में होता है, इस तरीके से गांठ बने होते हैं, तो इसको मणिकामय कहते हैं, या करेले में पाया जाता है, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट आपको, कि जड़ों का रूपांतरण, जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में जो रूपांतरण होता है, भोज्य पदार्थ जो स्टोर किया जाता है या सुरक्षित रखता है पौधा, वह तरकु रूप में रखता है, किस में रखता है, मूली में। दूसरा है कुंभी रूप, कुंभी रूप जो रूपांतरण होता है किस में पाया जाता है, शलजम में। तीसरा होता है शंकु रूप, शंकु रूप किस में पाया जाता है, गाजर में। और चौथा है गांठदार। वहीं अपस्थानिक जड़ों की बात करें, ठीक है, तो पहला है कंदिल, कंदिल यानी शकरकंद में आप देखेंगे जो रूपांतरण वो हमारा कंदिल हो गया। दूसरा है पुलकित, यह किस में पाया जाता है, डहलिया में, डहलिया जो फूल पुष्प होता है। तीसरा हो गया ग्रंथिल जो है हल्दी, और चौथा है मणिकामय करेला। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेक्शन जड़ का समाप्त होता है। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करते चलिए। और इसी प्रकार मैं जो है आपको आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे तना यानी स्टेम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जड़ों के बारे में इसको नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, तना, तना का कार्य, तना का रूपांतरण वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। थैंक यू।